पिछले 3 महीने से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता बार बार अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो बसें खरीदी जा रही हैं डीटीसी में, उनमें बड़ा घोटाला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे केंद्र सरकार ने एक जांच समिति बनाई, एक बहुत हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, क्योंकि बीजेपी के नेता दिल्ली में आरोप लगा रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके कहने पर इसकी जांच के लिए एक सीनियर लोगों की हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी ने करीब 3000 डॉक्यूमेंट्स इन बसों की खरीद से संबंधित देखे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स संभल किए, उसके बाद उन्होंने क्वेरी पे क्वेरी लगाई और इन सारी क्वेरीज और 3000 डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद केंद्र सरकार की बनाई हुई जांच समिति इस नतीजे पे पहुंची है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी की सरकार ने बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं किया। केजरीवाल जी की सरकार ने बसों की खरीद में ना तो कोई घोटाला किया है और ना किसी ने कोई ऐसा गलत काम किया है जिससे किसी को क्वेश्चन किया जाए या जिससे किसी को कोई नुकसान हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह अब सामने आ गया है कि केजरीवाल सरकार बहुत ईमानदारी से काम करती है। उन्होंने 3000 डॉक्यूमेंट्स देख लिए, क्वेरी पे क्वेरी लगा ली, उसके बावजूद कोई गड़बड़ी नहीं निकाल पाए, उल्टे मानना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ईमानदारी से चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब बस खरीद रही है तो उसमें कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की रिपोर्ट खुद मानती है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी खूब शोर मचाती थी और फिर इन्होंने केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की 400 फाइलें खोज निकाली थी, 400 फाइलें मंगाई थी, संबंध की थी और 400 फाइलों में एक एक पन्ना इन्होंने पढ़ा था और उसमें भी कुछ नहीं निकला, उसमें भी कुछ नहीं खोज पाए। आज डीटीसी की खरीद के 3000 डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ नहीं निकाल पाए कि केजरीवाल सरकार कुछ नहीं। ये प्रमाण है, केंद्र सरकार की समिति की रिपोर्ट ये प्रमाण है कि केजरीवाल जी ईमानदारी की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं फैलाते, भारतीय जनता पार्टी की तरह झगड़े नहीं करते फिरते, काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल जो लोग काम करते हैं उनसे झगड़ने का काम करती है, अरविंद केजरीवाल जी जो लोग उनको चुन के भेजते हैं उनके लिए काम करते हैं। आपको यह भी यहां बता दूं कि दिल्ली में 2008 से बसें नहीं खरीदी, कांग्रेस सरकार ने नहीं खरीदी, 2015 के बाद हमने जब भी खरीदने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ अड़चने अड़ाई, बहुत तमाम अड़चनों को पार करके अरविंद केजरीवाल जी ने ये टेंडर कराया था और अब बसें आएंगी। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम टांग अड़ाने की कोशिशों के बावजूद, तमाम अड़चनें खड़ी करने के बावजूद, तमाम आरोप पे आरोप लगाने के बावजूद, जांच कमेटी बनाने के बावजूद अब बसें आएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली के लिए बसें आएंगी। यहां मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप केजरीवाल जी जैसे ईमानदार नेता पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, क्योंकि आप सिर्फ केजरीवाल जी पर आरोप नहीं लगा रहे थे, आप केजरीवाल सरकार के काम रोकने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि आप दिल्ली की जनता की बसें खरीदने में रोड़ा अटका रहे थे, आप दिल्ली की जनता के लिए बसें खरीदने में टांग अड़ा रहे थे। आपकी खुद केंद्र सरकार की कमेटी ने माना है कि ये टांग अड़ाना बेकार।